वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के चौथे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांड तृतीय सर्ग कथा का आरंभ। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न, धन धान्य से पूर्ण था। वहां पर विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराजा मनु ने स्वयं बसाया था। यह नगरी 60 मील लंबी, 15 मील चौड़ी थी। वहां पर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सड़कें थी, जो राजपथ से अनेकों जगह तक मिलती थी। सड़कों पर प्रत्येक दिन प्रतिदिन जल का छिड़काव किया जाता था और फूल बिछाए जाते थे, और राज्य को समृद्ध करने वाले महाराजा दशरथ इस प्रकार निवास करते थे जैसे स्वर्ग में इंद्र निवास करते हों। अयोध्या नगरी बड़े बड़े तोरण द्वारों से युक्त, बड़े बड़े सुंदर बाजारों से युक्त थी। यहाँ पर हर प्रकार के यंत्र विद्यमान थे। इस नगरी में सूत मागद वंदी जन भी रहा करते थे। यह महानगरी बहुत ही सुंदर थी। चारों तरफ आम के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ाते थे। इस नगरी में हर कोई सुख से जी रहा था, संपन्न था, किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ये नगरी स्वर्ग से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे, जिन पर ध्वज और पताकाएं लहराती रहती थी। परकोटे की दीवार पर सैकड़ों तोपे हुआ करती थी। यह नगरी दुर्गम पहाड़ों और खाइयों से युक्त थी। अयोध्या नगरी की शोभा विचित्र थी। यहाँ के भवन सुनहरे रंग से रंगे हुए थे, रत्नों के ढेर यहाँ पर थे। 7 मंजिला मकान सर्वत्र यहाँ दिखाई देते थे। सुंदर स्त्रियां वहां निवास करती थी। ढोल नगाड़े मृदंग की ध्वनि से प्रतिध्वनित हमेशा रहा करती थी। पृथ्वी लोक पर अयोध्या नगरी जैसी कोई नगरी नहीं थी। ऐसी थी हमारी अयोध्या नगरी। जय श्री राम।